वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और बेटा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ खबरों के ऊपर। और इस पूरे वीडियो में हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि कोटा यूनिवर्सिटी की जो सारी गतिविधियाँ हैं, खासतौर पर जो प्रक्रियाएँ फिलहाल चल रही हैं, रेगुलेशन के फॉर्म अभी कम्प्लीट हुए हैं, इसके बाद इनके रिजल्ट कब तक आएंगे, आप लोगों की मार्कशीट कब तक आएगी, रेगुलेशन का रिजल्ट कब तक आएगा, सप्लीमेंट्री की एग्जाम कब तक होंगी, इसके अतिरिक्त जो है प्राइवेट के फॉर्म कब आएंगे, इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का जो रेगुलेशन का रिजल्ट कब तक आ सकता है, यानी जितनी भी बातें हैं फर्स्ट ईयर की मार्कशीट के रिगार्डिंग भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी मोस्ट ऑफ द जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उन सबके ऊपर मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, और जिससे कि हम लोग जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक अपने जो विचार हैं, अपनी जो बातें हैं, उन तक पहुँचा पाएँ। तो सबसे पहले तो मैं चर्चा शुरू करूँगा आप लोगों के फाइनल ईयर की मार्कशीट से लेकर के, क्योंकि मैं क्लास वाइज आज चर्चा करूंगा। सबसे पहले फाइनल से शुरू करता हूँ। फाइनल वाले बच्चों को जो बीएड कॉलेज है या कहीं दूसरी जगह है, या लोग एमए में एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को मार्कशीट की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों को सूचित कर दूँ कि अभी कम से कम जो है 15 दिन के आसपास आप लोगों की मार्कशीट के आने में लग सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें कि 10 से 15 दिन के भीतर आप लोगों की मार्कशीट जो है आप लोगों की कॉलेज में चली जाएगी। यदि किसी स्टूडेंट को मार्कशीट से रिलेटेड इशू है तो या तो वो नेट की मार्कशीट से काम चला ले, और उससे काम नहीं चलता है तो आप लोग जो है यूनिवर्सिटी से जाकर के अपनी मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं। ये एक विकल्प आप लोगों के लिए है। ये बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए फाइनल ईयर के उन बच्चों के लिए है जिनके रिजल्ट आ चुके हैं। फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। सेकेंड ईयर के ऊपर हम लोग बिल्कुल आखिर में चर्चा करेंगे, सेकेंड ईयर के रिजल्ट के ऊपर। बीए फर्स्ट ईयर के जो प्रमोट कार्ड है ना, वो अभी नहीं आए हैं, उनका रिजल्ट भी नहीं आया है, और उनके रिजल्ट के आने में अभी समय भी लग रहा है, और ये समय थोड़ा नहीं है, अभी काफ़ी लंबा समय इसमें लगेगा। मेरा ये मानना है कि लगभग जो है महीना भर इस प्रक्रिया में लगेगा। तो बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी अभी अपने जो प्रमोट कार्ड है उनका और थोड़ा सा इंतज़ार करें, और 15 जनवरी के बाद इसके रिगार्डिंग वो लोग चर्चा करें, उसके बाद पूछें, और इससे रिलेटेड कोई भी खबर होगी तो मैं आप लोगों के साथ 100% शेयर करूंगा। इसलिए यहाँ भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे रेगुलेशन के बारे में। रेगुलेशन की प्रक्रिया जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, यानी आप लोगों के फॉर्म मांग लिए हैं। जिन्होंने फॉर्म यूनिवर्सिटी नहीं भेजे हैं वो मंडे तक पहुँचा दें, 20 तारीख तक यूनिवर्सिटी जो है उसकी हार्ड कॉपी पहुँचा दें, अदरवाइज उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। और इसके अतिरिक्त जो लोग कह रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, मैं आपको बता दूं कि रेगुलेशन के रिजल्ट जो है महीने भर में आने के आसार हैं। लगभग एक महीने में आप लोगों का जो रेगुलेशन का रिजल्ट है वो आ जाएगा, हो सकता है इससे पहले भी आ जाए। यूनिवर्सिटी का प्रयास ये है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी रिजल्ट जो है दे दिया जाए, इसलिए रेगुलेशन के रिजल्ट को जल्दी निकालने का प्रयास जो है कोटा विश्वविद्यालय करेगा। और कुछ लोग जिनको कोटा यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता दूँ कि बेटा एमडीएस यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के अभी तक पेपर नहीं हुए, जनवरी से उनका टाइम टेबल आया है, तो हमारी यूनिवर्सिटी तो उससे पहले रिजल्ट दे देगी। यानी कोटा यूनिवर्सिटी को आप लोग उतना भी हल्का ना आंकें, उन्होंने अपना काम किया ही है और यूनिवर्सिटी से बेहतर तरीके से हैंडल किया है चीज़ों को, इसलिए परेशान नहीं हो, आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात एडिशनल वाले बच्चों की, तो मैं एडिशनल वाले बच्चों से कहना चाहूँगा कि बेटा एडिशनल का रिजल्ट जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का मिलकर के आता है, तो फर्स्ट ईयर के साथ साथ जो है आप लोगों के रिजल्ट के आने के आसार हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए तो उम्मीद है कि आप लोगों का रिजल्ट शायद सेकंड ईयर के साथ आ जाए। इसके रिगार्डिंग और भी कोई सूचना होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एडिशनल वालों के लिए भी। एमए प्रीवियस के जो रिजल्ट हैं, मैं आपको बता दूँ कि जो रिमेनिंग रिजल्ट हैं एमए प्रीवियस के, कुछ एक दो परिणाम को छोड़ करके एमए प्रीवियस के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो एमए प्रीवियस का जो परीक्षा परिणाम है उसके मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 4 से 5 दिन यानी अगले हफ्ते में आने के आसार हैं। और बीएससी, बीकॉम, सेकेंड ईयर के जो रिजल्ट है ना, वो हो सकता है आज आ जाएं या मंडे तक आ जाएं, यानी मुश्किल से 2 या 3 दिन में जो है आप लोगों के परिणाम जो है आप लोगों के सामने होंगे, बीएससी और बीकॉम सेकेंड ईयर के। और जो बीए सेकेंड ईयर का परीक्षा परिणाम है उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बीए सेकेंड ईयर का जो परीक्षा परिणाम है आप लोगों का वो दिसंबर एंड तक जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें टाइम लग रहा है।
और दिसंबर एंड तक जो है ये परीक्षा परिणाम जा सकता है। आप लोग निरंतर जो है अखबार पढ़ते रहें और यूनिवर्सिटी की साइट को देखते रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बहुत से बच्चे जो है परीक्षा फॉर्म के बारे में पूछ रहे हैं, उनके बारे में बता दूं कि सप्लीमेंट्री के परीक्षा फॉर्म की बात कर रहा हूँ पहले, तो कि सप्लीमेंट्री के परीक्षा फॉर्म जो है अगले 15 दिन के बाद आ सकते हैं। और फिर भी आप लोग देखते रहें, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, तो वहाँ से आपको यदि इसके रिगार्डिंग कोई सूचना मेरे पास हुई अतिरिक्त सूचना तो मैं आप लोगों तक पहुँचा दूंगा। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि जो मुख्य परीक्षा है 2022 वाली, तो 2022 वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत सीधा सीधा फंडा है कि अभी उनके बारे में कोई चर्चा हो ही नहीं रही, क्योंकि 2021 की प्रक्रिया से ही फ्री नहीं हुई है यूनिवर्सिटी। तो 2022 वाले बच्चों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट तक वेट करें, और तभी जो है परीक्षा फॉर्म की प्रक्रिया संभवतः शुरू हो पाएगी। आप लोग तब तक जो है अपनी पढ़ाई जो है बदस्तूर जारी रखें, इसलिए उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करनी है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री के परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्री के जो परीक्षा का पैटर्न है वो वही रहेगा जो आपकी मुख्य परीक्षा का रहा था, यानी वही 50% जो पेपर आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया था, लगभग वही पैटर्न के रहने की आशा रहे, तो आप लोग उसमें भी ज़्यादा चिंता नहीं करें, मेरे सामने यही पैटर्न रहेगा। फिर भी यूनिवर्सिटी जो भी मार्गदर्शन देगी या मार्गदर्शन करेगी उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक एमए की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो एमए की प्रवेश प्रक्रिया के ऊपर यह है कि आज लास्ट डेट है, आप लोग शीघ्र फॉर्म भर लें, यदि कोई बच्चा छूट गया है तो फटाफट जो है अपने फॉर्म्स को अप्लाई करें, और यदि डेट बढ़ती है तो मैं आप लोग को सूचना करूंगा कि हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन हो थोड़ा बहुत एमए की प्रवेश प्रक्रिया में, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शाम को जो है साझा कर दूंगा, क्योंकि जो भी होना होगा वो आज शाम तक इसके रिगार्डिंग हो जाएगा, तो आप लोगों को मैं शाम को 100% इस बारे में सूचित कर दूंगा कि एमए की प्रवेश प्रक्रिया में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो ये एक कंसोलिडेट वीडियो था जिसमें कि हम लोगों ने सारी बातों के ऊपर चर्चा की है, अभी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मार्कशीट के लिए भी नहीं, क्योंकि मार्कशीट के आने में अभी 15-20 दिन लगेंगे, तो मैंने पहले ही कह दिया है कि दिसंबर एंड तक आप लोगों की मार्कशीट आपके कॉलेज में हो सकती है कि आ जाए, तब तक परेशान नहीं हो। सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बारे में आपको ऑलमोस्ट बता दिया है कि सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है वो मंडे ट्यूजडे तक तो आ जाएगा आपके बीकॉम और बीएससी का, और इसके बाद जो है दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट में जो है सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा, इसमें टाइम लग रहा है अभी, और एमए प्रीवियस का रिजल्ट जो है अगले हफ्ते में आ जाएगा। लगभग सारे विषयों का परीक्षा परिणाम जो है एमए का अगले हफ्ते में आने के आसार है, और फिर भी मैं बार बार में आकर के आपको अपडेट इसके रिगार्डिंग दे ही रहा हूँ, तो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ना ही इस कोरोना के काल में घर से बाहर बेवजह घूमने की आवश्यकता है। आप सभी को ऑल द बेस्ट और शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से आप जो हैं आपको यही शुभकामनाएं कि आप COVID-19 के इस दौर में खुद को सुरक्षित रखें, घर वालों को सुरक्षित रखें, लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं और जागरूक नागरिक होने का संदेश सोसाइटी को दें। थैंक यू सो मच।